देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन ए प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर फेसिंग ईच अदर। तो ट्राई करना है, अच्छा प्रॉब्लम है पहले आपको, ठीक है? तो कैसे करोगे आप इसको, देखो एक प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, बीच की डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है? व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर सो दैट द आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन एक दूसरे को फेस फेसिंग, हाँ ठीक है, तो फेस कर रहे हैं मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, डिस्टेंस इतनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, सो दैट आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ तो रखोगे नहीं, यहाँ रखोगे क्या, ऑब्जेक्ट में कुछ होगा यहाँ पे रखने से, बताइए? इसके पीछे ये पॉलिश आ जाएगी तो कुछ होगा ही नहीं, कहीं से कोई रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हो कि यहाँ पे नहीं रख सकते, बीच में कहीं रखना है मतलब, तो वही पूछ रहा है किस पोजीशन पर रखें। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर सो दैट आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। आपको पहले इससे रिफ्लेक्शन लेना है। तो मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मान लिया एक्स डिस्टेंस पर रखने पर जो सेकंड इमेज है वो यही बन जाएगी। सेकंड इमेज मतलब कि इससे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज आएगी, पहले इससे रिफ्लेक्शन हुआ फिर इससे रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर इससे इमेज यहाँ बन रही है तो ये क्या होगी, रियल इमेज होगी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा मस्ट बी वर्चुअल, क्योंकि केवल वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, ठीक है? तो कहाँ होना चाहिए वो हमेशा बराबर है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की हमेशा बराबर होगी प्लेन मिरर में, चाहे से वो रियल हो या वर्चुअल, ठीक है? तो बात को समझो, आपको सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहीं पर चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी, वो आप जो सेकंड कंडीशन दे रखी है कि इससे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ आनी चाहिए, तो मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, जितनी डिस्टेंस ये है। तो अगर ये एक्स है तो बची हुई कितनी होगी, 22.5 - x हो गई क्या? तो यहाँ से I1 जो इससे इमेज बनेगी वो कहाँ बननी चाहिए, 22.5 - x डिस्टेंस पर बननी चाहिए। तो बस अब कुछ बचा क्या इसके बाद, इस क्वेश्चन क्या बोला मैंने, मिरर M2 फॉर्म्स द इमेज एट O, सो ऑब्जेक्ट फॉर M2 मस्ट बी एट I1। I1 कितनी डिस्टेंस है, जिससे उतनी ही डिस्टेंस पर, ठीक है? हेंस इमेज बाई कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट I1। तो इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है। हाँ बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसमें बाद में पूछते हैं, अभी कोशिश करो समझने की, सबके आएगा एक बार में समझ, ठीक है? सब बच्चे बहुत तेज होते हैं, आपको अपनी पहचानने की बात है, अपनी ताकत, ठीक है? तो आपको ये बात यही समझ में आनी चाहिए, बात का कुछ नहीं है इसमें, इतना टफ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? कि आपको सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बनानी है, तो पहले इससे इमेज कहाँ बनेगी वो ढूंढने का क्या तरीका, उल्टा चलो, मिरर से यहाँ बननी चाहिए, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इसी इतनी डिस्टेंस पर इधर होना चाहिए, ठीक है? और वो जो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज किसके कारण बनेगी, इसके कारण, ठीक है? तो बस इसके लिए इमेज की पोजीशन यहाँ पर आ गई, तो आप डिस्टेंस देख सकते हैं, इसको एक्स है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको R/2, ठीक है? तो बस कुछ बचा नहीं, 1/V + 1/U = 1/A, फोकल लेंथ नेगेटिव, यू की जगह आ गया -x, और V1 कहाँ आ रहा है, ये डिस्टेंस टोटल 22.5 + 22.5 - x, ठीक है? आप इसको सॉल्व करो, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, सिंपली सॉल्व हो जाएगी, दो आंसर आएंगे 30 और 15, ठीक है? अब क्या एक्स की वैल्यू 22.5 से ज़्यादा हो सकती है क्या, बताओ? यहाँ से आपको इन दोनों के बीच में ही रखना है, इनके बीच की डिस्टेंस 22.5 है, तो क्या एक्स 22.5 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, तो इसलिए आपका एक्स 30 रिजेक्ट हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, आप 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है? इसमें बेटा थोड़ा भी डाउट किसी को भी, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, आपको जो कहा कि इससे सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो यहाँ बन रही है, तो आपने इसका ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया उतनी डिस्टेंस पर, वो इसकी इमेज हो जाएगी, बस इसके अलावा इस सिंपल क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर भी किसी का कोई डाउट तो वो मुझे बताए इस क्वेश्चन, ठीक है? अभी जिसको रुकना है रुक जाएंगे, 4 बजे इसकी क्लास नहीं है, या थोड़ी देर CPP करना चाहते हैं तो CPP नंबर 6 करेंगे अपन, ठीक है? CJ वाले तो रुक ही जाएंगे, उनकी तो मेरी क्लास है। अरे 4, 5 तो भेज दी होगी, मैंने नहीं भेजी, 4, 5 भेज देना, मैंने सब लिख दिया, 6 लिखेंगे आज, ठीक है? हाँ देख लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ 5 करेंगे या 6 करेंगे, अच्छा 6 या 5 में से भी देख लेंगे कौन सी करनी है।
हाँ चलो, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब आप सीपीपी लियो, ठीक है, और कोई पहले का भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, वरना सिक्स करेंगे अपन, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन देख के आना, दो चार अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, फिर कह रहा हूँ अगले दो तीन प्रॉब्लम, ठीक है, पहले से ट्राई करके रखोगे तो सही रहेगा, ठीक है, अपने आप से ट्राई करेंगे आगे के दो तीन प्रॉब्लम।